During the year ended 31st March 2020, subscription received by Kings Club Delhi were ₹4,09,000, including ₹5,000 for the ended 31st March 2019 and ₹10,000 for the ended 31st March 2020. At the end of the year ended 31st March 2020, subscription outstanding for the year ended 31st March 2020 were ₹15,000. The subscription due but not received at the end of the previous year, 31st March 2019, were ₹8,000. While subscription received in advance on the same date were ₹18,000. Calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. तो आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे, हमें उसकी बात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन होता है करंट ईयर में, जितना भी रिसीव हुआ उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे अंदर से। फिर उसके अंदर हम जो भी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको प्लस करेंगे, और लास्ट ईयर में जो एडवांस रिसीव कर लिया था हमने उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों करंट ईयर से रिलेटेड है। और इसके अलावा जो हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है, एक तो उसको माइनस करेंगे, और जो नेक्स्ट ईयर का है जो करंट ईयर में एडवांस आ गया है उसे भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एट द एंड एट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 4,09,000। फिर इसमें हम जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 15,000, इसको आप यहाँ पर प्लस कर देंगे। और जो लिखा है एडवांस रिसीव्ड इन फॉर द ईयर, जो हमें लास्ट ईयर में जो एडवांस रिसीव हुआ था वो करंट ईयर का था, तो उसे भी हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, और ये अमाउंट दे रखा हमें 18,000। फिर जो प्रीवियस ईयर का हमने करंट ईयर में रिसीव किया है जिसको हम लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, वो यहाँ पर हमें माइनस करना है 18,000। और जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस रिसीव आया है उसको भी हम यहाँ माइनस कर देंगे 10,000 को। तो ये आंसर आ गया आपका सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 4,27,000। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको इसी के अंदर सॉल्व करना बता दिए हैं। तो इन्हें अच्छे से चेक करिए, है ना, एक बार फिर से आप कैलकुलेशन सुन लेना। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है हम उसे नोट करेंगे, फिर इसके अंदर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता है वो माइनस होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस है, तो पहले प्लस वाला आइटम को ले लेते हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है हमें 15,000, इसको प्लस कर देंगे। लास्ट ईयर में जो एडवांस आया था वो करंट ईयर से रिलेटेड है इसलिए उसे भी हम यहाँ प्लस कर देंगे। और लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है जो हमने करंट ईयर में रिसीव किया वो चूँकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है उसलिए माइनस करेंगे, और करंट ईयर के अंदर जो एडवांस आया वो नेक्स्ट ईयर का है इसलिए उसे भी माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर 4,27,000। ये सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम के साइड में ट्रांसफ़र करेंगे।